तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी के लिए यहाँ पे हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। यहाँ पे पूर्णांक 80 रहेगा। क्वेश्चन का शेड्यूल क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। समय भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मैं हमारे अफोर्ड किए गए सिलेक्टेड टीचर्स के द्वारा जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताए गए थे वो यहाँ पे आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चंस में से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, जो आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम होना है। क्योंकि आपका पिछले क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर बहुत ही शानदार गया है। स्टूडेंटों का लगातार कमेंट आ रहे हैं, भाई जो बताए गए थे उन क्वेश्चन में से 70-80% पेपर फंसा है। उन लोगों के लिए भी हमने सेम जो है स्ट्रक्चर के साथ क्वेश्चंस बताए थे। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। स्टूडेंट्स पूरे के पूरे क्वेश्चनों को आपको जो है याद कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ये वाला। और स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे लाखों स्टूडेंट जुड़ गए हैं सक्सेस स्टडी के साथ और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का फ़ायदा ले रहे हैं। लाखों स्टूडेंट सक्सेस स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब करके सक्सेस स्टडी को इससे जुड़ जाइए, क्योंकि आपके आने वाले पेपरों के लिए चैनल मोस्ट इम्पोर्टेंट काम में आने वाला है। तो भाई यहाँ पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई आजकल मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों के लिए, बोल बोल के भाई जुबान थक गई है पूरी आपके लिए क्वेश्चंस दे दे के। साथ ही साथ सॉल्यूशन भी जल्दी आ रहे हैं आपके। आज के पेपर के 9th का सॉल्यूशन डल चुका है। नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिया लक्ष्मण ने, ये देखिए। परशुराम का धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण जी ने कौन सा तर्क दिया, ये दिया हुआ है। एंड इसके बाद ये है आपका तीसरे नंबर का, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है, ये वाला। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। और स्टूडेंट्स अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। उस पर ये पूरे के पूरे पीडीएफ मैं डाल दूंगा। यहाँ पे आपका चौथा वाला हो गया है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है पिछले, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही होगा। इन क्वेश्चंस में से जो सिंपल से क्वेश्चंस हम बता रहे हैं सिलेक्टेड, इनको तो आपको, हालांकि आपने और क्वेश्चंस तो ऑलरेडी ही याद किए होंगे, तो इन क्वेश्चन को क्यों छोड़ रहे हो भाई, क्यों मौका छोड़ रहे हो। पूरे के पूरे क्वेश्चनों को याद कर लो। और भी हम आगे आपको बताएंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पांचवा वाला, मीठी वाणी बोलने से औरों को खुश और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, ये देखिए। ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन जो है इसका दे देना है क्वेश्चन का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है, साकी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भाई, दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है, साकी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो बिल्कुल आएगा ही। और इसके ऊपर वाला ये डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन भाई 4-5 नंबर में, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिए भाई। पिछला एक्सपीरियंस शानदार है, सभी पेपरों में टॉप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन में लापरवाही ना करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, गंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, इसका आपको पूरा का पूरा जो है लिख देना है। इसके बाद आपके जो है 8वां वाला, बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, 8वां वाला दिया हुआ है, इसको आपको कर देना है। एंड इसके बाद जो आपके आगे के क्वेश्चंस हैं, हरियर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे थे, ये आपका 9 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कर लेना है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एंड भाई आजकल मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे पीडीएफ रेडी करना पड़ता है। अब ये देखिए आपके क्वेश्चंस, तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो सक्सेस ऑफ स्टडी को। हरियर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे, ये आपको कर लेना है। 10वां वाला ये देखिए, तो यहाँ पे आपके लिए हमने टॉप 10 क्वेश्चंस बताए थे। इसके और भी क्वेश्चंस आगे हम डालेंगे, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्यूशन के साथ हम डालेंगे। और जो अभी यहाँ पे बताए गए हैं क्वेश्चंस, इनका पूरा सॉल्यूशन भी हम
इसी चैनल पे डालेंगे वीडियो आगे आने, इसके बाद जो है सॉल्यूशन वीडियो डालेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि जैसे ही इसकी सॉल्यूशन वीडियो मैं डालूं तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाए।